हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। मैं हूं आप सबका दोस्त जगदीश वाघेला और स्वागत है आपका मेरी चरम में। दोस्तों, कच्छ दर्शन के अंदर कच्छ मतलब कच्ची भाषा, 1 से 7 भाग तक हमने इस चरण के अंदर कच्ची भाषा सीखते आ रहे हैं, जिसके अंदर हमने 1 से 7 भाग के अंदर कच्ची को हम कैसे सीखे, कच्ची को कच्ची के साथ साथ हिंदी, गुजराती और इंग्लिश के साथ भाषांतर मतलब ट्रांसलेशन के माध्यम से हम सीख रहे हैं। आज मैं आपके सामने फिर से पार्ट 8 लेके आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे कच्ची के और वर्ड्स और उसके सेंटेंसेस। तो चलो दोस्तों, जानते हैं कच्ची भाषा के और कुछ वाक्य और सीखते हैं कच्ची भाषा। तो जो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, खास करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये वीडियो लास्ट तक देखिए, ताकि आपको सारे कच्ची के सेंटेंस गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी के साथ सीखने को मिलेंगे। चलो दोस्तों, तो जानते हैं कच्ची और सीखते हैं कच्ची। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे शब्द, एक एक वर्ड, और इसके बाद हम वाक्य में प्रयोग करेंगे उसका। सबसे पहला वर्ड है बुलाओ, गुजराती में, इंग्लिश में कॉल, फिर हिंदी में बोलेंगे बुलाओ और कच्छी में बोलेंगे हक्कल कयो, हक्कल कयो अथवा हक्कल करयो अथवा बोलायो, हक्कल कयो अथवा बोलायो और हक्कल करयो पण बोल सकते हैं, ठीक है ना। रमेश ने बुलाओ, गुजराती में, वाक्य में कैसे बोलेंगे, रमेश ने बुलाओ, कॉल टू रमेश, कॉल टू रमेश और कॉल रमेश, हिंदी में बोलेंगे रमेश को बुलाओ, रमेश को बुलाओ। चलिए अब जानते हैं कच्छी में, रमेश के हक्कल कयो अथवा रमेश के हक्कल करयो अथवा रमेश के बोलायो, रमेश के हक्कल कयो, रमेश के हक्कल करयो, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं रमेश के बोलायो, रमेश के बोलायो, ठीक है दोस्तों। तो बोलावो, कॉल, बुलावो और हक्कल कयो और हक्कल करयो, या फिर ऐसे बोलेंगे बोलायो, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चले जानते हैं दूसरा सेंटेंस। चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरा वर्ड और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। उपाड़वू, गुजराती में, पिकअप इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे उठाना और कच्छी में क्या बोलेंगे, उपाड़, उपाड़, कच्छी में बोलेंगे उपाड़। चले अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, तमे थेलो उपाड़ो, मतलब यहाँ पे तमे मतलब हम किसके संदर्भ में बोल रहे हैं, जब बड़े होते हैं तब, तमे थेलो उपाड़ो, तुम बैग उठाओ, बड़े को तुम बोलते हैं, यू पिकअप द बैग, यू पिकअप द बैग इंग्लिश में। अब कच्छी में कैसे बोलेंगे, आई थेलो उपाड़ो, आई थेलो उपाड़ो और आई थेले के उपाड़ो, ये कच्छी में हम बोलेंगे आई, यहाँ पे बड़े है इसलिए आई बोलते, अगर अकेला रहता तो हम ऐसा बोल सकते हैं तू थेलो उपाड़, अगर अगर मान लो कि ये छोटा, किसी को छोटे के लिए बोला जाता ना, तो हम ऐसा बोल सकते थे तू थेलो उपाड़, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों समझ में आ गया होगा, तमे थेलो उपाड़ो, तुम बैग उठाओ, यू पिकअप द बैग, आई थेलो उपाड़ो अथवा आई थेले के उपाड़ो, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस और तीसरा वर्ड है दोस्तों जाओ, जा जाओ, गो इंग्लिश में गो बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे जाइए और कच्छी में क्या बोलेंगे, विनो, जाओ, गो, जाइए और कच्छी में बोलेंगे विनो। चलिए अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं गुजराती में, तमे अहीं थी जाओ, यू गो फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से जाओ। अब कच्छी में आई हेडा थी विनो, आई हेडा थी विनो, दोस्तों यहाँ पर आई बड़ों के लिए यूज किया गया है, आई मतलब आप, ठीक है, तम में, ठीक है ना, तुम यहाँ से जाओ, आई हेडा थी विनो, ठीक है, जाओ मतलब गो, जाइए और कच्छी में बोलेंगे विनो, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जानते हैं नेक्स्ट वर्ड भूली जाऊं, गुजराती, फॉरगेट इंग्लिश, भूल जाना हिंदी में और कच्छी में बोलेंगे भूलनू, भूले वेनू अथवा भूलनू। वाक्य में हम देखेंगे तमे मने लग्न में बोलावानू भूली गया, गुजराती, यू फॉरगोट टू इनवाइट मी टू द वेडिंग इंग्लिश, आप मुझे शादी में बुलाना भूल गए हिंदी में।
अब कच्छी में क्या बोलेंगे? आई मुक्के विया में बोलाए जो भली व्या, आई मुक्के विया में बोलाए जो भली व्या। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आई मुक्के विया में बोलाए जो भली व्या। विया है, विया मतलब शादी, शादी लग्न, ठीक है, वेडिंग सेरेमनी। आई मुक्के विया में बोलाए जो भले व्या। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं नेक्स्ट वर्ड और उसका प्रयोग करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट वर्ड है बेसवू। बेसवू गुजराती सिट डाउन, इंग्लिश बैठना हिंदी में, और कच्छी में क्या बोलेंगे? वे, वे और वेरो, वे अथवा वेरो, वे अथवा वेरो। बेसू सिट डाउन बैठना, कच्छी में वेरो, ठीक है, वे अथवा वेरो। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, रमेश तू अहीं बेसी जा, रमेश यू सिट हियर इंग्लिश, रमेश तुम यहीं बैठो, रमेश तुम यहीं बैठो। अब कच्छी में क्या बोलेंगे? रमेश तू हेड्डा या हेते वे, रमेश तू हेड्डा या हेते वे, और रमेश तू हेते वेरो। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रमेश तू हिड्डा वे या रमेश तू हित्ती वे और रमेश तू हित्ते वे रो। ठीक है दोस्तों, रमेश तू हित्ते वे रो। चलिए जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड है पढ़वूं, इंग्लिश में फेल डाउन, हिंदी में गिर जाना, और कच्ची में बोलेंगे छण नू, मतलब छण नू यहाँ पे लिखा है लेकिन छण नू, छण नू। ठीक है, पढ़वूं फेल डाउन गिर जाना, कच्छी में बोलेंगे छण नू। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे न लिखा है लेकिन छण नू, छण नू, छण नू। तो वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, बे मानस वृक्ष पर थी पड़या, टू मैन फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, दो आदमी पेड़ से गिर गए। अब कच्छी में प्रयोग करेंगे, बो मतलब बे, मारू मतलब आदमी, बे जना बो मारू झाड़, झाड़ मतलब पेड़, मत्था छण्या, बो मारू झाड़ मथा छण्या, बो मारू झाड़ मथा छण्या, बो मारू झाड़ मथा छण्या। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं नेक्स्ट वर्ड और उसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है नहाऊं, इंग्लिश में बात, हिंदी में नहाना, कच्छी में वेंजनू, वेंजनू। ठीक है, चलिए अब वाक्य प्रयोग करते हैं, हूँ रोज सवारे ठंडा पानी थी नहाऊं छूं, गुजराती में, आई बाथ विथ कोल्ड वाटर एवरी मॉर्निंग, इंग्लिश, मैं रोज सुबह ठंडे पानी से नहाता हूँ, हिंदी में। ठीक है, अब हम जानेंगे कच्छी में, आऊं रोज सवार जो थदे पानी ते वेजा तो, आऊं रोज सवार जो, सुबह मतलब सवार जो, ठंडा मतलब थदे, पानी मतलब पानी, ते वेजा तो, आऊं रोज सवार जो थदे पानी ते वेजा तो। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, आऊं रोज सवार जो थदे पानी ते वेजा तो। नहाने को क्या बोलेंगे? वेजनू, टेक बाथ, नहाना, नाहू। ठीक है दोस्तों, चलिए जानेंगे नेक्स्ट वर्ड और उसको वाक्य में हम समझेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दौड़वूं, इंग्लिश में रन, हिंदी में दौड़ना, और कच्छी में बोलेंगे दौड़नू, दौड़नू, दौड़वूं, रन, दौड़ना, दौड़नू, कच्छी में बोलेंगे दौड़नू। चलिए वाक्य में, रोज दौड़वाथी फायदो थाय छे, रोज दौड़वाथी फायदो थाय छे, डेली रनिंग इज बेनिफिशियल, हिंद इंग्लिश में, रोज दौड़ने से फायदा होता है, हिंदी में। अब कच्छी में, रोज रोज दौड़े थी फायदो थिए तो, रोज रोज दौड़े थी फायदो थिए तो, रोज दौड़े थी फायदो थिए, दौड़नू यहाँ पे हमने वाक्य में लिखा है ना, इसलिए दौड़े थी फायदो थिए तो, रोज दौड़े थी फायदो थिए तो। ठीक है दोस्तों, दौड़वू, रन, दौड़ना और दौड़नू। ठीक है, चलिए जानेंगे नेक्स्ट वर्ड और उसका वाक्य में हम समझेंगे। चलिए दोस्तों जानते लास्ट वर्ड और उसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, लखवू राइट लिखना, और कच्छी में बोलेंगे लिखनू, लखवू गुजराती, राइट इंग्लिश, लिखना हिंदी में, लिखनू। ठीक है, कच्छी में बोलेंगे लिखनू। अब इसका वाक्य में, मने गुजराती लखता आवड़े छे,
आई नो टू राइट गुजराती इंग्लिश, मुझे गुजराती लिखना आता है, मुझे गुजराती लिखना आता है। अब कच्छी में क्या बोलेंगे, मुक्के गुजराती लिख दे अचे तो, मुक्के लिख गुजराती लिख दे अचे तो, या मुक्के गुजराती लिख दे अचेती, ठीक है। मुक्के गुजराती लिख दे अचेती अथवा मुक्के गुजराती लिख दे अचे तो, ये दो बोल सकते हैं, ठीक है ना। मुक्के गुजराती लिख दे अचेती अथवा अचे तो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे कुछ वर्ड जिसका हमने वाक्य में प्रयोग किया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कच्छी सीखने को मिला होगा। और भी ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा हो, तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करना, तमारो कमेंट मने जरूर आप जो कमेंट जरूर दीजा, प्लीज़ गिव मी कमेंट, ओके। सो विल मीट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कच्ची भाषा सीखेंगे और जानेंगे, अलग अलग शब्द, अलग अलग वर्ड्स, और उसका वाक्य में भी प्रयोग करेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।